हाय स्टूडेंट्स, एमएस ट्यूटोरियल बालोसर में आप सबको स्वागत है। मैं आशीष कुमार पटियारी आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क का एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन ये है, ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज व्हाइल बी एलन कैन डू इट इन 16 डेज विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज सी एलन कैन डू द वर्क इन। देखो यहाँ पे क्या डाटा है, वो बोले कि ए अकेले काम को 24 दिन में कर रहा है, बी ओ वाला काम को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। वो बोले कि ए सी का हेल्प लेकर ए और बी दोनों ओ वाला काम को कितना दिन में खत्म किया, वो बोले कि 8 दिन में खत्म किया। अभी वो मांग रहे हैं सी अकेले काम को कितना दिन में खत्म करेगा। देखो डाटा कॉपी करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ए कितना दिन में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है। बी ओ वाला काम को अकेले कितना दिन में कर रहा है, देखो 16 दिन में कर रहा है। देखो यहाँ पे सी एक बंदा है लेकिन वो नहीं बोल रहा है कि वो कितना दिन में खत्म करेगा। मान लो सी कितना दिन में, सी दिन में खत्म करेगा। अब तक डाटा सही है। उसके बाद बोल रहे कि ए बी सी का हेल्प लेकर 8 दिन में काम खत्म किया। ठीक है, काम शुरू हो गया तो काम खत्म भी हो गया। ठीक है, पहले काम में ए और बी दोनों है, सी का हेल्प ले लिया और 8 दिन काम करने के बाद ये काम खत्म हो गया। देखो डायग्राम हो गया, डायग्राम के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वेशन फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखो ये 1 बाई ए, ये कितना आगा 1 बाई बी, ये कितना आगा 1 बाई सी। ये कैसे हो रहा है, पिछले वाला प्रॉब्लम में मैं आप लोगों को बता दिया उनका डेली वेजेस से। उसके बाद क्या हुआ, 8 दिन काम किया, काम करने के बाद ये काम क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, इक्वेशन बन गया फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 8 है मल्टीप्लीकेशन, ये नीचे आएगा तो क्या होगा 1/8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। देखो ए का वैल्यू कितना है 24, बी का वैल्यू कितना है 16। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सी की जगह सी रहेगा। ठीक है, ये दोनों का समेशन कितना होगा 8 3, ये सबसे बड़ा है 24। ये 24 को मैंने ऐसे ब्रेक किया 8 × 3, ये 16 है। 8 के साथ क्या करो, 2 मल्टीप्लाई करो तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, हो गया एलसीएम तो 24, 8 × 3 बचा कितना है 2 × 1, तो ये कितना होगा 2 होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 आएगा, ये 16 है बचा कितना 3, तो 3। ये दोनों का समेशन कितना होगा, ये 2 है ये 3 है तो कितना होगा ना 5, हो गया 5। ये देखो 5 यहाँ से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, तो डेफिनेटली कितना होगा 5/2, यहाँ पे कितना होगा ये 5/8 × 3 × 2। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो डेफिनेटली 5/2, क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो इसलिए मैं एक स्टेप यहाँ से कर रहा हूँ। देखो ऊपर 5 है, नीचे कितना है 8 है, 3 × 2 है, उसको मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत ज्यादा होगा। तो ऐसे ही रखो 8 × 3 × t। देखो ये इसी साइड में क्या है, प्लस है, इसी साइड को आएगा तो डेफिनेटली माइनस हो जाएगा। तो देखो इसी उसको साइड ओवर किया तो 5, ये 8, ये 3, ये 2 है। ठीक है, ये सब कट गया, बचा कितना इसी साइड में 1/c। ठीक है, उसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा 8 × 3 × t 2 है, हो गया। तो 8 × 3 × t 2 हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे कितना है 8, ये बचा कितना 3 × 2, ये 6। यहाँ पे कितना है 7, बचा कितना 5, ऊपर बचा कितना 1। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, ये 1/c है, तो 1/c इज इक्वल टू 1/8 × 3 × 2। ऊपर ऊपर इक्वल हो गया तो नीचे कितना आगा वही होगा 8 × 3 × 2, ये कितना आगा 24, ये 2 इज इक्वल टू कितना आगा ना 48। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना निकल गया, ये 48। ठीक है, तो सी का वैल्यू निकल गया जो क्वेश्चन में मांग रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, ये मेथड आप लोग को अच्छा लगा, प्रॉब्लम अच्छा लगा। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम में एक भी फॉर्मूला नहीं है तो मेरे को लग रहा है डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा तो क्या करना चाहिए, हमारा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करना, और ठीक है पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। ठीक है, अगले दिन मिलेंगे एक दूसरा क्लास और नई प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तब तक बाय बाय।